जैसा कि आपको बताया था कि यहाँ 23,745 पे रेजिस्टेंस है, तो जैसे ही यहाँ खुली फटाफट वहाँ से एक सेलिंग आई, और उसके बाद अगर जो हमने बताया था कि शॉर्ट कवरिंग जो पॉसिबल है वो है 13,130-150 के ऊपर, तो वही हुआ, 130-150 के ऊपर शानदार शॉर्ट कवरिंग बनी और हमें एक अच्छी खासी रैली इंजॉय करने को मिली। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन दबाइए, नीचे फ्री टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है उसे जरूर क्लिक कीजिए। तो गोल्ड में ये क्लियर कट मैंने बताया था कि 20,980-21,000 तक बाय ऑन डिप है, यहाँ पे स्पोर्ट है और इधर रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस थोड़ा ऊपर खिसक गया है, ये थोड़ा ठीक करना पड़ेगा। हाँ ये लीजिए, यहाँ रेजिस्टेंस है और ब्रेकआउट आपको बताया ही है कि 21,500 के ऊपर है, ऊपर का लेवल 21,000 फिर 700। अभी गोल्ड बाय ऑन डिप है और काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है। उसके बाद अगर हम आए सेंसेक्स पे, तो सेंसेक्स ने बहुत अच्छी सपोर्ट ले ली है। ट्रेंड रिवर्सल कैंडल, मैंने कल भी बताया था कि जब भी एक ट्रेंड रिवर्सल कैंडल बने तो एक लंबी दौड़ दिखाई देती है बुल्स की, तो बुल्स का कब्जा है। 82,750 क्लियर कट नज़र आ रहा है। मिड कैप निफ्टी ने अपनी मंजिल पा ली है, 13,200 उसकी मंजिल थी वो सो मिल गई है। अब आपको थोड़ा इससे दूर रहना चाहिए मिड कैप निफ्टी से। मिड कैप निफ्टी की अब वेट कीजिए, कोई अगर डिप आता है 12,952 ये वाला एरिया, 12,952 13,000 का एरिया, यहाँ तक अगर कोई डिप आए तो वो बाय आपको नज़र आ सकता है। यहाँ पे अच्छी खासी बाइंग दिख सकती है। नीचे स्टॉप लॉस 12,940 का भी रख सकते हैं, ऊपर के वही लेवल वापस 13,030-73-109-130-158-190 और वही 200 रहेगा। अब जहाँ पे इस टाइम मिड कैप निफ्टी है तो इसको अभी बिल्कुल भी हाथ मत लगाइए। अगर कल यहाँ मार्केट खुलती है, मान लीजिए मिड कैप निफ्टी यहीं खुल जाती है, तो ये नो ट्रेड जोन है, तो थोड़ा दूर हो जाइए। और मैं यहाँ पे कोई सेलिंग भी रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि मार्केट मोमेंटम है, खासकर बैंक निफ्टी, तो उस वजह से मिड कैप निफ्टी में अभी सेलिंग से भी दूर रहना चाहिए। हाँ 13,250 क्रॉस हो तो फिर एक मोशन बनेगा ऊपर की ओर 13,290-300। 290-300 क्या है, वो है एक ऑल टाइम हाई। उसके बाद अगर हम आए फिन निफ्टी पे, तो फिन निफ्टी पूरी तरह से अभी इस एरिया में नो ट्रेड जोन है, यहाँ पे बिल्कुल भी ट्रेड मत कीजिए। हाँ यहाँ पे रेजिस्टेंस तो है, वो मैं फिर से आपको क्लियर कर देता हूँ, पर कोई भी किसी भी तरह के ट्रेड मत कीजिए, क्योंकि बैंक निफ्टी काफ़ी पॉजिटिव है, चार्ट काफ़ी अच्छा है, तो बेहतर होगा थोड़ा दूर रहिए। हाँ अगर 23,860 के ऊपर आए तो भी शॉर्ट कवरिंग पॉसिबल है, और फिर ऊपर की एक मोमेंटम आपको नज़र आ सकता है। ऊपर कहाँ तक, ऑल टाइम हाई तक, 914 और 945 तक, और 950 अगर क्रॉस हुआ तो फिर धुआंधार रैली भी आपको नज़र आ सकती है। तो ये था अभी फिलहाल फिन निफ्टी और मिड कैप निफ्टी का पूरा चार्ट बिहेवियर। उसके बाद रुपया पूरी तरह से नो ट्रेड जोन में, ये तो मैंने आपको बता ही दिया है। तो ये था कंप्लीट एनालिसिस सेंसेक्स का, मिड कैप निफ्टी का और फिन निफ्टी का। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक करके जाइए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए वीडियो को और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।